विपरजॉय तूफान कर रहा है लैंडफॉल की तैयारी, लेकिन फिर भी अगले 24 घंटे इस देश के लिए हैं अति भारी। बड़ी खबर है, हम जानकारी देंगे। मैं पूजा मोहन पांडे आप तमाम लोगों का स्वागत करती हूं। गुजरात में तूफान का असर दिखने लगा है, गुजरात मुंबई के तटों पर दिखने लगा है विपरजॉय का असर। तटीय इलाकों में शुरू हुई है बारिश, 30,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात में विपरजॉय से पहले शुरू हुई है तेज बारिश। बड़ी खबर, अहम जानकारी, अहम तस्वीरों के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर। 30,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। गुजरात में विपरजॉय से पहले शुरू हुई है तेज बारिश। विपरजॉय का लैंडफॉल अभी भी 24 घंटे दूर, लेकिन 24 घंटे से पहले ही असर दिखने लगा है। तटीय इलाकों में शुरू हो चुकी है बारिश, 30,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सुरक्षा बल ग्राउंड जीरो पर एक्टिव हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगातार निगाह बनाए हुए हैं। ऐसे में जो तमाम तटीय क्षेत्र हैं, वहां से मछुआरों को दूर रहने के लिए कहा गया है। और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे किस तरीके से पोरबंदर, द्वारका, राजकोट, भुज, जुहू बीच, वर्ली बीच, गेटवे ऑफ इंडिया, द्वारका लाइट हाउस, इन तमाम जगहों की तस्वीरें हैं जो आपको बताएंगी कि किस तरीके से विपरजॉय के स्वागत में अब लहरें अंगड़ाइयां लेने लगी हैं, आसमान बरसने लगा है और कह रहा है कि साइक्लोन खुद का साइक्लोन का मूवमेंट भी बढ़ता है। कल 10 किलोमीटर पर आवर में मूव हुआ था, इवन 12 किलोमीटर पर आवर में। अभी दिन जिसे बढ़ते जाएगा उसका मूवमेंट ग्रेजुअली, साइक्लोन का मूवमेंट ग्रेजुअली बढ़ता है। लेकिन विंड स्पीड जिसे हमने फोरकास्ट लगातार देते आ रहे हैं, हमारा फोरकास्ट में कोई चेंजेस नहीं है। विंड स्पीड एंड लैंडफॉल पॉइंट यानी क्रॉस जो करेगा और हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट भी दिए गए। सराउंडिंग का विंड स्पीड है, सराउंडिंग का। आज आई में एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द साइक्लोन यानी आई में विंड स्पीड ज्यादा नहीं रहता है, बारिश भी ज्यादा नहीं रहता है। आपको लगता है कि एकदम शांत है जब आई क्रॉस करता है। अगर आप आई का पोजीशन में खड़े हैं आपको लगेगा कि साइक्लोन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आई का जो आई रीजन में ज़्यादा एक्टिविटी होता नहीं है, आई का जो वॉल क्लाउड रीजन, आई का सराउंडिंग एरिया में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मैम, ये जो लैंडफॉल, एक जो लैंडफॉल होगा, आपने बोला कि चौकों के आसपास ये लैंडफॉल होगा, तो अप्रोक्सली कितने किलोमीटर में इसकी जो इफेक्ट रहेगी सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा ये एक पावरफुल सिस्टम है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा कच्छ डिस्ट्रिक्ट, इवन द्वारका और मोरबी, सबसे ज़्यादा द्वारका, जामनगर, कच्छ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा एंड उसका अडजाइनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो इम्पैक्ट। लेकिन ग्रेजुअली इम्पैक्ट जितना नीचे जाएगा, जितना दूर जाओगे उसका इम्पैक्ट ग्रेजुअली कम होते जाएगा। मैम, वैसे अनुमान नहीं हो सकता, फिर भी आपके अनुभव से तो मौसम विभाग के अधिकारी को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुजरात के लिए घड़ी थोड़ी सी मुश्किल है, फिर चाहे वो कच्छ हो, भुज हो, अन्य क्षेत्र हो। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं विपरजॉय को लेकर। गुजरात सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने समीक्षा बैठक करी है। सीएम ने अधिकारियों से तमाम हालातों की जानकारी जुटाई, लोगों से सावधान रहने की अपील करी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर है ये। सीएम ने अधिकारियों से हालातों की जानकारी ली है, लोगों से सावधानी बरतने की अपील इस दौरान की गई है। बड़ी खबर, गुजरात के लिए ये क्षण मुश्किल भरा है, लेकिन गुजरात के साथ पूरा देश खड़ा है। सीएम भूपेंद्र पटेल, जिन्होंने अधिकारियों से हालातों की जानकारी जुटाई है और लोगों से सावधान रहने की अपील करी है। न्यूज इंडिया भी आपसे अपील कर रहा है कि अगर आप तटीय क्षेत्रों के आसपास हैं तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ आपकी भी बनती है। सुरक्षित स्थानों पर जाइए, आपके लिए जगहों का चिन्हीकरण किया गया है
आपको वहां पर होना चाहिए इस समय। लोगों से सावधान रहने की अपील सरकार भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। बिपर जॉय को लेकर फिलहाल गुजरात सरकार अलर्ट मोड पर। भूपेंद्र पटेल ने साफ तौर पर समीक्षा बैठक करी जिसमें अधिकारियों से जानकारी जुटाई, अधिकारियों से हालातों को लेकर बातचीत करी है कि कितनी तैयारी हो गई, कितनी तैयारी बाकी है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है जिनकी तादाद 3000 से ज्यादा। केंद्रीय मंत्री रूपाला ने तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा इस दौरान, वो भी आपको सुनना चाहिए, सुनिए। साइक्लोन का सीधा मॉनिटरिंग हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पीएमओ से पूरी घटनाक्रम पर बारीकी से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। भारत सरकार, गुजरात सरकार और स्थानीय इकाई तीनों मिलकर इस संकट का सामना करने की सतर्कता और सावधानी बरत रहे हैं। तो आप सुन रहे थे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब आपको दिखाएंगे कि इस तूफान से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से होंगे। तस्वीरें देखिए, गुजरात की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वो तटीय क्षेत्र जो सबसे पहले प्रभावित हो सकता है, गोवा, कर्नाटका और साथ में केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वो ये वो क्षेत्र हैं जो सीधे तौर पर बिपर जॉय से प्रभावित होंगे। गुजरात सबसे ज्यादा। आपने अभी आपदा प्रबंधन की जो अधिकारी हैं उनको भी सुना था, वो भी साफ तौर पर कह रही थी कि गुजरात प्रभावित होगा, सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। फिर चाहे वो भुज का क्षेत्र हो, कच्छ का क्षेत्र हो, द्वारका बीच हो, मोरबी ब्रिज हो, ये तमाम क्षेत्र प्रभावित होने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात, बल्कि महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, गोवा, कर्नाटका, इसके अलावा केरला, केरला के अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये वो तटीय क्षेत्र हैं जो सीधे तौर पर बिपर जॉय की चपेट में आएंगे, प्रभावित होंगे। और सबसे ज्यादा जो बात कही जा रही है कि बिपर जॉय जब अपने सेंटर पर होगा, अपने उफान पर होगा, तो सबसे ज्यादा असर दिखाने वाला है। इस बीच आपको तमाम ग्राफिक्स हमने प्रिपेयर किए हैं, वो भी आपको बताएंगे कि गुजरात में हाई अलर्ट है, 3500 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया गया है। द्वारका की अगर बात करें तो द्वारका में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। और इसी के साथ कच्छ, सौराष्ट्र जिले में तट से 10 किलोमीटर की दूरी तक बसे गांवों के लोगों को हटाया गया है। पोरबंदर की बात करें तो 31 गांवों से करीबन 3000 लोगों को और द्वारका में करीबन 1500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है, पहुंचाया गया है। कच्छ जिले के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि अगर आप इन तटीय क्षेत्रों में हैं तो आपको इन क्षेत्रों में एक्टिव मोड में नहीं रहना है, समंदर में कतई नहीं जाना है। मछुआरों को कहा गया है कि समंदर से दूर अभी आपको फिलहाल बनाकर रखनी है। सभी स्कूल कॉलेज 15 जून तक के लिए फिलहाल बंद रहने वाले हैं। तो इस बीच गुजरात में हाई अलर्ट का मोड देखने को मिल रहा है। गुजरात में लगातार रेलवे ने 95 ट्रेनों को रद्द करने का काम किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुजरात में हाई अलर्ट है और लहरें देखिए किस तरीके से उफान में है लहरें। कच्छ, सौराष्ट्र जिलों में तट से 10 किलोमीटर की दूरी पर लोगों को जाने की मनाही है। गुजरात से महाराष्ट्र तक हाई अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती चैलेंज के खिलाफ चक्रव्यूह की लगातार कोशिश केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ही कर रहे हैं। बिपर जॉय तूफान, लहरों में उफान देखने को मिल रहा है, लोगों के आवास, और रेलवे ने 95 ट्रेनों को अभी तक रद्द कर दिया है। यानी कि वो ट्रेनें जो सीधे तौर पर गुजरात का रुख करती हैं या गुजरात से होकर जाती हैं या इन तमाम तटीय क्षेत्रों से जिनमें महाराष्ट्र है, केरला है, तमिलनाडु है, इन तमाम क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, उनको सीधे तौर पर रद्द किया गया है। गुजरात से महाराष्ट्र तक हाई अलर्ट है,
3000 से ज्यादा ऐसे परिवार जिनको अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया है, 1500 से ऐसे परिवार हैं जो कि अलग क्षेत्रों से शिफ्ट किए गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर करीबन 5000 परिवारों की शिफ्टिंग का काम अभी तक किया गया है। बिपरजॉय से अगले 24 घंटे इस देश के लिए थोड़े से भारी होने वाले हैं, और किस लिहाज से तेजी से बिपरजॉय की चाल बढ़ती जा रही है। 2001 और 19 के बीच तूफान का दायरा 52% तक बढ़ा है। 1950 के बाद चक्रवात की संख्या 94 से बढ़कर 140 हो गई है। अरब सागर की अगर बात करेंगे तो चक्रवात की दर में 52% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, चक्रवात से 20% से ज्यादा आबादी का जनजीवन सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है ये तूफान बिपरजॉय, और ऐसे में लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है कि सुरक्षित स्थानों पर जाइए, तटीय क्षेत्रों में आपको नहीं रहना है, खुद को भी सेफ रखना है और अपने परिवार को भी सेफ रखना है। और इस विषय की गंभीरता को इसी बात से समझिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री खुद सारे हालातों की समीक्षा कर रहे हैं। बीते दिनों भी तमाम अधिकारियों के साथ, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम के साथ उनकी बैठक भी हुई है। इस बीच हिमाचल से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, हिमाचल से बड़ी खबर सामने आ रही है, बादल फटने से भारी तबाही हुई है, बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, 40 सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, मंडी में कई बीघा जमीन बह गई है, एक गाय की मौत की खबर भी सामने आ रही है, दुकानों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको हिमाचल से दे रहे हैं, जहां पर बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रही, तस्वीरें एक्सक्लूसिव, बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मंडी की तस्वीरें हैं ये, पहाड़ जितने खूबसूरत देखने में लगते हैं, घूमने में लगते हैं, यकीन मानिए जीवन उतना ही मुश्किल होता है पहाड़ का। मंडी में बादल फटने की घटना हुई, भारी तबाही का मंजर लोगों ने देखा है, एक गाय की मौत हो गई है, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तस्वीरें देखिए, मंडी में बादल फटने से भारी तबाही का मंजर लोग देख रहे हैं। बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, 40 लोग फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हैं, लेकिन इस बीच एक गाय के मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई क्षेत्र बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालातों से प्रभावित, जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। तो बंगाल में चुनाव की आहट है, लेकिन उससे पहले रक्त चरित्र देखने को मिल रहा है, ये हम क्यों कह रहे हैं ये बड़ी खबर आपको बताएगी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, चुनाव की तारीख बढ़ाने से हाई कोर्ट का इनकार है। सुरक्षा बलों की तैनाती पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, ऐसे क्षेत्र जो कि संवेदनशील हैं वहां पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की जाएगी। 15 जून नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख, 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होगी और 11 जुलाई को आएगा रिजल्ट। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, पंचायत चुनावों से पहले बम पर बैठा हुआ है बंगाल, पंचायत चुनावों की तारीख बढ़ाने से हाईकोर्ट ने किया है इनकार। केंद्रीय बलों की तैनाती पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, बड़ा आदेश क्या है समझिए, ऐसे बूथ जो कि संवेदनशील है वहां पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की जाएगी, और जहां सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती नहीं हो सकती है वहां पर बंगाल पुलिस को तैनात किया जाएगा। तो
पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अहम तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव की तारीख को बढ़ाने से हाई कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है और कहा है कि केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी, सेंट्रल फोर्सेस तैनात की जाएंगी ऐसी जगहें जो कि सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती हैं, संवेदनशील हैं, जहां पर लोगों को मतदान करने में दिक्कतें आ सकती हैं, वहां पर सेंट्रल फोर्सेस तैनात की जाएंगी। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुर्शिदाबाद की तस्वीर है, बंकुरा की तस्वीर, कोटापुर की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से हिंसा फैली हुई है। हाई कोर्ट ने इसी बात को मेंशन किया है कि अभी तो चुनाव हुए भी नहीं है और चुनाव से पहले इस तरीके के हालात अगर क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं और आप चाहते हैं कि अगर इन तस्वीरों को देखते हुए चुनावों को पोस्टपोन कर दिया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। चुनाव तो होकर रहेंगे और सेंट्रल फोर्सेस तैनात की जाएंगी ऐसी संवेदनशील जगहें जहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसे बूथ जो प्रभावित हो सकते हैं, जहां पर मतदान प्रभावित हो सकता है, वहां पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की जाएगी। इस बीच यूपी से बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। यूपी के लखनऊ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर आशुतोष कश्यप नाम के एक व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए फर्जी पुलिस कांस्टेबल बनकर लोगों को लूटने का काम किया है। आपको बता दें कि ये फर्जी पुलिस कांस्टेबल लोगों के साथ दर्शन करने जाने के बहाने लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था, जिसका पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। फर्जी कांस्टेबल का मामला सामने आया है, फर्जी कांस्टेबल बनकर व्यक्ति को लूटा गया है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना, पूरी वारदात कैद हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये आईडी कार्ड असल में जो आप देख पा रहे हैं और आपको लगेगा कि असली है, असल में ये फर्जी है। सीसीटीवी कैमरे में लूट की पूरी वारदात कैद हुई है कि किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मेरा नाम रविंदर कुमारी, मैं सहारनपुर का रहने वाला हूं और मैं आयरलैंड में रहता हूं और घूमने के लिए इंडिया आया हूं। उसके बाद मेरे बड़े भैया के साले लगते हैं आशुतोष कश्यप, वो और हम दोनों बालाजी गए। बालाजी से वापसी में आते हुए हम हल्दीराम रेस्टोरेंट पे रुके, वहाँ पर हम अंदर गए, उन्होंने टॉयलेट का बहाना किया और मेरे को रेस्टोरेंट में भेज दिया। और वो इसी बहाने तुरंत वापसी गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में से सारा सामान मेरा, गोल्ड और हीरे की अंगूठिया, सारा सामान उठा लेते हैं। और उसके बाद फिर वो आते हैं और वो पुलिस में कॉन्स्टेबल की पोस्ट पर रहे। एफआईआर दर्ज करा दिए मैंने मंसूरपुर थाने में, जो मुजफ्फरनगर में पड़ता है। पुलिस का चक्कर लगा के थक गया हूँ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि मैं लखनऊ आया हूँ। लखनऊ में मैं अपनी शिकायत लेके आया हूँ, लखनऊ में इनको बताया मैंने, लेकिन उस पर कोई एक्शन कुछ नहीं करी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जहां जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं, अपराधियों को पर जहां शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं पर अब कहीं ना कहीं पुलिस भी रक्षक के रूप में भक्षक बनती जा रही है। पिछले दिनों एक घटना जिसमें कि चांदी की चोरी खुद एक इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने मिलकर कर दी थी, उसके बाद पिछले बीते दिनों दो दिन पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां पर कि एक व्यक्ति जो कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया, फर्जी एफआईआर दर्ज करी और इतने प्रताड़ित कर दिया कि अंततोगत उसने आत्महत्या कर ली। अब ये ताजा मामला है एनआरआई का, जहां पर कि एक एनआरआई जो आइलैंड में रहता है, वो सहारनपुर अपने घर घूमने आता है और कहीं ना कहीं उसका रिश्तेदार जो कि पुलिस कांस्टेबल है, उसके सारे गहनों पर हाथ साफ कर लेता है, लेकिन पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके कानों में जू तक नहीं रेंगता और वो कहीं ना कहीं अपने न्याय के लिए भटकता जा रहा है। सुंदरम के साथ अभिनव पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो इस बीच आपको दिल्ली से भी बड़ी खबर है, हम जानकारी दे रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। राजधानी दिल्ली में खत्म होंगे डार्क सड़कों पर, सरकार लगाएगी स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स।
90,953 स्मार्ट स्ट्रीट लाइटें लगाने का प्लान है। कंट्रोल रूम से जिनको ट्रीट किया जाएगा, लाइटों को रेगुलेट करने का काम कंट्रोल रूम करेगा। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा कदम है, राजधानी दिल्ली में खत्म होंगे डार्क स्पॉट। योग दिवस को लेकर बड़ी खबर, अहम जानकारी। सपा सांसद का विवादित बयान सामने आया है, योग मदरसों का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा है शफीकुर्रहमान बर्क, जो कि बयान भीड़ से कम नहीं, मदरसों में तालीम दिवस मनाइए। शफीकुर्रहमान बर्क, बच्चों की तालीम रोकने के लिए मदरसों में योग हो रहा है, कहते नजर आए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। शफीकुर्रहमान बर्क को आप अक्सर सुनते होंगे, इनके बयान क्या देते हैं ये इनको खुद भी पता नहीं रहता। मदरसों में तालीम दिवस मनाना चाहिए, योग मदरसे का हिस्सा नहीं है, बच्चों की तालीम रोकने का षड्यंत्र हो रहा है। योग दिवस को लेकर सपा सांसद का विवादित बयान सामने आया है, उन्होंने कहा योग मदरसों का हिस्सा नहीं है। अंदर तो तालीम दिवस मनाना चाहिए, योग दिवस से क्या मतलब है? अबे योग अच्छी चीज है, उसमें कोई बुरी चीज नहीं है। हर आदमी अपने घर भी योग कर सकता, अपने क्या पहले अखाड़े थे, ये थे, सब पहलवान कसरत करने जाते थे तो पहले न था, लेकिन भाई पहले तालीम की भी कमी थी। अभी ये इन्होंने डेवलप करके इसको एक कानून बना दिया, ये मदरसों में हरेसमेंट फैलाने के लिए सिर्फ, और ये चाहते हैं कि ये मदरसे न चले और मुसलमान बच्चे वो अपने मजहबी तालीम हासिल न करें, ये इनका एक ही मंशा है। तो बर्क साहब मजहबी तालीम का जिक्र कर रहे थे, तो इनको ये भी पता होना चाहिए कि सूर्य नमस्कार और नमाज की ज्यादातर मुद्राएं एक जैसी हैं। बर्क, छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।